इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 14 मार्च के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। विज्ञान के इतिहास में 14 मार्च का खास महत्व है। दरअसल इस दिन एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक ने दुनिया से विदा ली थी। सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान एवं ऊर्जा का संबंध बताने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म आज ही के दिन 1879 में हुआ था। वहीं अंतरिक्ष भौतिकी को नया स्वरूप देने वाले दूसरे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन आज ही के दिन 2018 में हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में 14 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। 1647 में आज ही के दिन फ्रांस कालोन बावरिया और स्वीडन ने 30 साल चले युद्ध के बाद संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सापेक्षता के सिद्धांत से ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म आज ही के दिन 1879 में हुआ था। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स का निधन आज ही के दिन 1883 में हुआ था। प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार एस के पोटे काट का जन्म आज ही के दिन 1913 में हुआ था। आज ही के दिन 1914 में तुर्की और सर्बिया ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1931 में आज ही के दिन भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का मुंबई में प्रदर्शन किया गया था। आज ही के दिन 1958 में मोनाको में शाही परिवार की राजकुमारी ग्रेस ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसकी खुशी में मोनाको में 101 तोपों की सलामी दी गई थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जय नारायण व्यास का निधन आज ही के दिन 1963 में हुआ था। आज ही के दिन 1965 में इजरायली मंत्रिमंडल ने पश्चिमी जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति जताई थी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टिनिस्ट कहे जाने वाले अभिनेता आमिर खान का जन्म आज ही के दिन 1965 में हुआ था। मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला का जन्म आज ही के दिन 1972 में हुआ था। आज ही के दिन 1983 में तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने 23 साल में पहली बार तेल की कीमतों में कटौती की थी। 1988 में आज ही के दिन गणित प्रेमियों के लिए खास दिन पाई डे पहली बार मनाया गया था। आज ही के दिन 1993 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने 18 वर्ष की आयु में तस्मानिया के लिए खेलते हुए 2 शतक जड़े थे। 1998 में आज ही के दिन सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आज ही के दिन 2004 में चीन में निजी संपत्ति को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। 2008 में आज ही के दिन विक्ट्री समूह ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध स्विच गियर निर्माता कंपनी क्रेग एंड डेरिकार का अधिग्रहण किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि गोविंद विनायक करंदीकर का निधन आज ही के दिन 2010 में हुआ था। आज ही के दिन 2016 में रूस ने सीरिया से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा की थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान और गणित के प्रोफेसर रहे स्टीफन हॉकिंग का निधन आज ही के दिन 2018 में हुआ था। शारीरिक विकलांगता के बावजूद ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण शोध कार्य उनके संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल हैं। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।